Hi all, welcome to the yet another form filling video of Pratham Test Prep. My name is Nikhil. I hope all of you are doing good and would be very very busy in the board examinations. Yes, I am aware कि आप लोग बहुत ज़्यादा busy हैं अभी board examinations के लिए, but guys हमको एक और चीज़ को consider करना है कि कुछ universities के applications form, बहुत सारी university के application form बंद हो चुके हैं and कुछ universities के application forms बंद होने वाले हैं. अब मैं जानता हूँ कि हम लोग जैम पैक्ड हैं अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस में, बट हमको कुछ टाइम स्पेयर करना होगा टू फिल अप दैट फॉर्म. ऐसी सिचुएशन ना आए कि बाद में जाकर हम लोग रियलाइज़ करें कि यार कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म्स थे जो हम फिल कर सकते थे बट हम नहीं फिल कर पाए. थोड़ा सा टाइम स्पेयर कीजिए आप अपने फॉर्म फिलिंग वीडियो के लिए और टेक समवन हेल्प्स इन फिलिंग अप द फॉर्म, नो मैटर्स, बट फॉर्म्स को टाइमली फिल कीजिए क्योंकि बाद में अगर हम रिग्रेट करेंगे इट वॉन्ट हेल्प अस एनीमोर. सो गाइज, ये पर्टिकुलर वीडियो हम लोग शूट कर रहे हैं टू हेल्प यू इन फिलिंग अप द फॉर्म फॉर IIFT काकीनाडा एप्लीकेशन फॉर्म 2022. गाइज, IIFT इज़ वन ऑफ द प्रीमियम कॉलेज इन इंडिया विच ऑफर्स MBA एंड वेरी वेरी गुड फॉर इंटरनेशनल बिजनेस. सो बहुत सारे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं जो कि MBA के लिए प्रेफर करते हैं IIFT. देर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इन इंडिया जो कि IIMs से बेटर IIFT में जाना चाहते हैं. देयर प्रायोरिटी इज़ IIFT ओवर IIMs बिकॉज उनका इंटरनेशनल बिजनेस प्रोग्राम काफ़ी फेमस है एंड काफ़ी रिपीटेड है. ऑलराइट, सो IIFT ने भी अपना एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ कर दिया है फॉर 5 ईयर्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम. इसी साल ये अपना एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ कर रहे हैं. ऑल्दो दे हैव कैंपस इन दिल्ली ऑल्सो, काकीनाडा इज़ इन आंध्र प्रदेश, बट दिल्ली में भी कैंपस है, बट दिस पर्टिकुलर 5 ईयर्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम दे विल गोना रन इन काकीनाडा कैंपस. ऑलराइट, विच इज़ इन आंध्र प्रदेश, आई ऑलरेडी टोल्ड यू गाइज. IIFT जो अपना प्रोग्राम रिलीज़ किया है, जो 5 ईयर्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम रिलीज़ किया है, सो आपको जो BBA वो आपको करवाएंगे. BBA में आपका स्पेशलाइजेशन कोर्स होगा BBA इज़ बिजनेस एनालिटिक्स. उसके अलावा आपका जो मास्टर्स होगा दैट विल बी इन IB विच इज़ इंटरनेशनल बिजनेस विच इज़ अ ट्रेंड विच इज़ एक्चुअली बूमिंग इन इंडिया. सो आई वुड रिकमेंड ऑल ऑफ यू कि आप ये वाले फॉर्म को फिल कीजिए बिकॉज फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ हो रहा है. IIFT की ब्रांडिंग भी बहुत अच्छी है. सो मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को रिकमेंड करूँगा कि आप ये वाले फॉर्म को फिल कीजिए. लेटर ऑन विल डिसाइड कि आपको जाना है या कौन से कॉलेज में आपको एंटर करना है, बट फॉर्म को ज़रूर फिल कीजिए. ऑलराइट, सो आई टेक यू थ्रू द प्रोसेस ऑफ फिलिंग अप द फॉर्म, उसको कैसे फिल करना है और क्या क्या प्रॉब्लमेटिक एरिया है उसमें, उस पर्टिकुलर फॉर्म में कहाँ पर हमको इश्यूज आते हैं. सो विल डिस्कस अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स. ओके, लेट मी टॉक अबाउट द बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द फॉर्म. फर्स्ट, द कोर्सेज ऑफर इज IPM प्रोग्राम विच इज़ 5 ईयर्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम बिजनेस एनालिटिक्स एंड इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर. आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है दैट इज 60% इन 12th स्टैंडर्ड. अगर आप SC ST PWD या ट्रांसजेंडर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं देन यू शुड हैव मिनिमम 55% इन 12th स्टैंडर्ड. सेम फॉर 10th एज वेल. अगर आप 10th में अगर आपके 60% हैं मिनिमम एंड फॉर द कैटेगरी स्टूडेंट 55% है तो आप एलिजिबल हैं. अगर आपके 60% से 10th में या 12th में कम है, यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम. सो आप इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए आप फॉर्म नहीं फिल करेंगे. ऑलराइट, सो इसके अलावा मैथ्स आपके लिए कंपलसरी है. ऑलराइट, लाइकवाइज बाकी जो IIMs हैं, अगर आप देखेंगे IIM इंदौर है, रोहतक है और बाकी बोध गया, जम्मू, इन सब के लिए आपके लिए मैथ्स कंपलसरी नहीं है, बट यहाँ पर अगर आप IIFT के लिए अगर आप कर रहे हैं तो आपके लिए मैथ्स कंपलसरी है. आपके पास 12th में मैथ्स होना चाहिए. ऑलराइट, सो सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर आपका अलग से IIFT एंट्रेंस एग्जाम नहीं कंडक्ट करेगा. दे विल बी कंसीडरिंग द स्कोर ऑफ IPMAT 2022 विच इज़ कंडक्टेड बाय IIM इंदौर. ओके, आई रिपीट, IIM इंदौर का IPM प्रोग्राम का जो स्कोर है वही एक्सेप्ट होगा. अगर आप IPM किसी और यूनिवर्सिटी का दे रहे हैं, जैसे लाइक IIM रोहतक का दे रहे हैं या किसी और का दे रहे हैं, दे विल नॉट एक्सेप्टेड. दे विल कंसिडर फॉर IIM इंदौर ओनली. ऑलराइट, वेटेज को डिवाइड इस तरीके से किया हुआ है कि वेटेज में आपका 78% दे विल कंसिडर फॉर द एंट्रेंस एग्जाम. जो आप स्कोर करेंगे, जो आप मेरिट लेकर आएंगे इन दी IIFT, उसको कंसिडर किया जाएगा. बाकी का 20% दे विल कंसिडर योर 10th
एकेडमिक जो पार्ट है उसको कंसिडर करेंगे, जेंडर डाइवर्सिटी इज 2% फॉर जेंडर डाइवर्सिटी विच इज मीन्स फीमेल कैटेगरीज आर मोर प्रेफर्ड देयर. ऑनलाइन एप्लीकेशन वॉज स्टार्टेड ऑन 10th May 2022. लास्ट डेट टू फिल अप द फॉर्म इज 2nd June 2022. एग्जाम डेट नॉट रिक्वायर्ड इसलिए लिखा है बिकॉज दिल बी कंसिडरिंग द स्कोर ऑफ आई एम इंदौर. सो जब भी आप आई एम इंदौर देंगे तो उसी के स्कोर के बेसिस पर आपका सीट अलोकेट होगा आपको IFT के अंदर. ऑलराइट, फॉर्म का डायरेक्ट लिंक हमने दिया हुआ है. जनरल एप्लीकेशन फॉर्म का जो फीस है दैट इज जनरल कैटेगरी एंड OBC कैटेगरी के लिए 2000 rupees है. SC ST एंड PWD कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फीस विल बी 1000 rupees. ऑलराइट, द वेबसाइट इज www.ift.ac.in इज द डायरेक्ट वेबसाइट थ्रू विच यू कैन फिल अप द फॉर्म. हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है. अगर आपको डायरेक्ट लिंक चाहिए तो www.ift.ac.in/ift/ipm.php क्लिक करने के बाद अगर आप एंटर करेंगे सो विल गेट द डायरेक्ट लिंक फॉर द फॉर्म. ऑलराइट, सो लेट्स जस्ट क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर ऑप्शन एंड गो टू द मेन रजिस्ट्रेशन पेज. सो वी हैव गॉट द मेन रजिस्ट्रेशन पेज. आई विल हैव टू पंच इन द फर्स्ट पार्ट इज द IPM रजिस्ट्रेशन नंबर. सो अगर आप इस पर्टिकुलर फॉर्म को फिल करना चाहते हैं आपको पहले से ही IIM इंदौर का फॉर्म फिल करना होगा. आपको जो एप्लीकेशन नंबर IIM इंदौर की तरफ से मिलेगा आपको वही एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पर पंच इन करना है. आप इस पर्टिकुलर फॉर्म को नहीं फिल कर पाएंगे अगर आपने इंदौर का फॉर्म नहीं फिल किया है. आई रिपीट दिस पॉइंट. ऑलराइट, सो एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पर पंच इन करना है जो आपको IIM इंदौर से मिला है. यू विल हैव टू पंच इन द ईमेल आईडी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड ऑन द राइट हैंड साइड यू हैव टू पंच इन द सेम ईमेल आईडी, योर मोबाइल नंबर एंड कंफर्म द मोबाइल नंबर ऑन द राइट हैंड साइड टू. ऑलराइट, वंस आई डू इट आई विल क्लिक ऑन सबमिट एंड प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेप. वंस आई डू इट आई विल गेट द मेन रजिस्ट्रेशन पेज. आई हैव गॉट द एप्लीकेशन नंबर फॉर IIFT as well. I will have to save it somewhere. That is very very important. आप इसको कहीं ना कहीं save कर लीजिए. That will help you because जब भी आपका admit card आएंगे या results आएंगे आपको उसके लिए आपको application number की requirement होगी. Alright. Now आपका name आपको mention करना है. You have to mention the nationality. You have to choose the category. So general EWS category, OBC, NCL, non-criminal option is there. SC and ST option is there. Alright, if you're in a PWD category, you will select yes or no. You have to punch in the mother name, your father name, your date of birth and gender on the above personal details section. Okay, below that, aapko apne address and details, address and correspondence address ki information deni hai. So, aap yahan par proper house number, current cities, pin code number, state, ke saath aapko information fill karni hai. Iske alawa primary email ID is already given. You have to punch in your alternate email ID. Mobile number आपने already punch in कर दिया था हमने, so इसके अलावा हमको alternate mobile number भी punch in करना होगा. After filling this information, मुझे academic details को punch in करना है. I will go to the next step. I will put in the information for 10th here. Alright? So 10th की information डालने के लिए, this particular part, if you guys can see, ये particular part 10th के लिए है. And this particular part is for 12th. There are a lot of students who are facing problem in filling this particular part because they are saying ke 12th ka marks ko dalna compulsory hai. Yahan par aap compulsory nahi hai. Main aapko bataunga kis tarike se hum log proceed kar sakte hain. Alright. So 10th ka information, let's fill in the 10th information first. So year of passing 2020, maine already fill in kar diya hai. I will have to punch in the school name, city, board. I can either put CBSE Delhi or CBSE whatsoever I want to put. So your board you can put it here. Your percentage got in percentage or CGPA format tha ya percentage aapka 12th mein jitna aaya aap usko yahan par punch in karenge. Alright, so on the right hand side aap apne 12th mein agar aap 12th mein hai agar aap abhi and abhi aapke boards ke marks nahi aaye hain to aap usko year of passing mein aap appearing karenge. You have to same information, you have to punch in the school name, city, board name, percentage kya hoga. अगर आपका परसेंटेज 12th का नहीं आया है फॉर द फाइनल परसेंटेज, दे आर नॉट रेफरिंग टू द परसेंटेज विच यू हैव गॉट इन नवंबर बिकॉज इस साल 12th के एग्जाम दो बार ही हुए थे. बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती कर रहे हैं और वाले मार्क्स को डाल रहे हैं. यू हैव टू पंच इन दैट इन्फॉर्मेशन. अगर आपका 12th में मार्क्स नहीं आया है, फाइनल मार्क्स नहीं आया है एंड इफ़ यू आर अपीयरिंग फॉर 12th स्टैंडर्ड, यू विल पुट 0 ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट. आई होप दिस पर्टिकुलर थिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ऑलराइट, सो बिलो दैट You have maths in 12th, yes or no? I will click on yes here. And इसके नीचे मुझे इसका payment करना होगा. So if I want to make the payment for this,
आई विल हैव टू क्लिक ऑन क्लिक हियर टू पे फीस. आई विल क्लिक ऑन दिस ऑप्शंस. यहाँ मेरे पास ये ऑप्शन आ जाएगा जहाँ पर IFT का फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी एंड एड्रेस लिखा हुआ है. आई विल क्लिक ऑन पे फीस. पे फीस करने के बाद मुझे ये डिटेल्स दोबारा से पंचिंग करनी होगी, द नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आईपी मैट रजिस्ट्रेशन नंबर विच हैव ऑलरेडी गिवन ऑन दैट पार्ट. मुझे यहाँ पर भी डालना होगा फॉर्म का एप्लीकेशन नंबर, जो आपने अभी फॉर्म का नंबर मैंने आपको दिखाया था, IFT का एप्लीकेशन नंबर आपको वो भी पंच इन करना है ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट. अभी यहाँ पर टोटल अमाउंट जीरो इसलिए दिखा रहा है बिकॉज आई हैव नॉट सिलेक्टेड दिस पर्टिकुलर पार्ट. अगर मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ आई विल क्लिक ऑन दिस ऑप्शन. इस इफ आई एम फ्रॉम SC/ST/PWD आई विल क्लिक ऑन दिस ऑप्शन. अगर मैं जनरल पे क्लिक करूँगा जैसे ही यहाँ पर टोटल अमाउंट 2000 rupees आ जाएगा एंड आई विल क्लिक ऑन मेक पेमेंट. ओके, सो दिस इज़ नॉट अ डिफिकल्ट टास्क. आप इसको जीरो वाले पार्ट को आप 2000 rupees कर देंगे या 1000 rupees आप पे करेंगे एंड वंस यू क्लिक ऑन मेक पेमेंट आपको पेमेंट गेटवे पे ले जाएगा. पेमेंट गेटवे पे ले जाने के बाद आपको ट्रांजैक्शन आईडी वहां से मिल जाएगी. ठीक है, जैसे आप कोई भी पेमेंट करते हैं आपको ट्रांजैक्शन आईडी मिलती है. आपको वो ट्रांजैक्शन आईडी सेव रखनी होगी बिकॉज यू विल बी पंचिंग इन द मेन फॉर्म देयर. ओके, जैसे आप उस चीज़ को फिल इन कर देते हैं आपके पास ये वाला मेन रजिस्ट्रेशन पेज दोबारा आ जाएगा. आपको अपना ट्रांजैक्शन आईडी यहाँ पर पंच इन करना है, डेट ऑफ पेमेंट डालनी है कि आपने कौन किस दिन को आपने ये वाला पेमेंट किया था. सो मैंने यहाँ पर ट्रांजैक्शन आईडी और पेमेंट डेट डाल दिया है. बिलो दैट आई विल हैव टू अटैच दी 10th पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड दिस सर्टिफिकेट इफ दिस एनी. ओके, सो अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या सर्टिफिकेट है 10th का, तो आप 10th का सर्टिफिकेट आप इसमें पंचिंग कर दीजिए. तो यहाँ पर आपको फोटोग्राफ अटैच करनी है, यहाँ पर आपको सिग्नेचर अटैच करना है एंड सर्टिफिकेट अटैच करना है. सो अटैच द डॉक्यूमेंट्स. अगर आपको लगता है कि आप अटैच नहीं कर पा रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम आ रही है ड्यू टू सम साइज इश्यूज, आप गूगल को रेफर कर सकते हैं. गूगल में आप कंप्रेस इमेज करेंगे तो फोटोग्राफ और सिग्नेचर ऑटोमेटिकली आप कंप्रेस कर सकते हैं बहुत ईजिली. जैसे ही आप ये डॉक्यूमेंट्स को अटैच कर देंगे, जस्ट क्लिक ऑन सेव एंड सेव डिटेल्स एंड प्रोसीड. आपका फॉर्म हो गया डन. आपको उसके बाद कुछ नहीं करना, आपके पास ये पर्टिकुलर पेज आ जाएगा, दैट्स इट. अगर आप यहाँ पर पुरानी जो आपने फिल इन किया है डिटेल्स को क्रॉस चेक कर सकते हैं, दैट्स इट. सो वंस यू डू दिस इन्फॉर्मेशन, वंस यू क्लिक ऑन सबमिट, आपका फॉर्म हो गया सबमिट. आपको जस्ट अपना एप्लीकेशन नंबर को अपने पास संभाल के रखना है फॉर दी IFT एंड सेव इट समवेयर, बिकॉज अगर वो आपका एप्लीकेशन नंबर खो जाता है, यू विल नॉट बी एबल टू गेट दैट रिजल्ट फॉर इट एंड यू विल नॉट बी एबल टू गेट द सीट देयर. सो एप्लीकेशन नंबर संभाल के रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप उसको कहीं पर जॉट डाउन करके रखिए. फॉर आर प्रथम स्टूडेंट्स, हमने एक आई ऑप्शन बनाया हुआ है फॉर्म्स वॉलेट के नाम से, जहाँ पर आप अपने यूजर नेम पासवर्ड्स को सेव कर सकते हैं, सो दैट वेन एवर यू नीडेड यू कैन फेच द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देयर इटसेल्फ. ऑलराइट, सो दिस इज हाउ वी फिल अप द फॉर्म फॉर IFT एप्लीकेशन फॉर्म. अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है फॉर्म फिलिंग के टाइम पर, आप हमारे पास कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑन द फोन नंबर्स गिवन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. फॉर एवरी रीजन वी हैव अ डिफरेंट सर्विस मैनेजर्स, विल बी हैप्पी टू हेल्प यू. ऑलराइट, सो इसके अलावा भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ के एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होने बाकी हैं, लाइक मुंबई यूनिवर्सिटीज़ है, सेपरेटली फिल करना होगा. सोफिया यूनिवर्सिटी, मिठीबाई यूनिवर्सिटी एंड बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके एप्लीकेशन फॉर्म अभी रिलीज होने बाकी हैं, उनके फॉर्म फिलिंग वीडियोज़ भी हम लोग क्रिएट करेंगे. अगर आपने कोई भी फॉर्म्स को फिल नहीं किया है, प्लीज़ आई आपके फ्रेंड्स नहीं फिल किया है, तो प्लीज़ रेफर दीज वीडियोज टू दी प्रथम योर फ्रेंड्स, सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट हेल्प इवन इफ दे हैव नॉट जॉइंड एनीवेयर. प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक our channel, that will help you, because subscribe करने के बाद हम लोग जो भी videos create करेंगे आपको और उसके notification मिल जाएंगे, so उसकी वजह से आप कोई ऐसा form important होगा तो शायद आप miss नहीं करेंगे. तो आप please like and subscribe कर लीजिए and that will definitely gonna help you. Alright, so let's catch you on the next video. Till that time, take care, work very very hard for your board examination, work hard for your entrance exams too, and take care and stay safe. Have a nice day.